अरे ऐसे मुंह काहे लटकाई हो, ध्यान दो इधर। भाभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, उखरा पे गंदी नजर रखता है। अरे वो हम नहीं, और आ रहा है, चलो खिसक लो चुपचाप। जायदाद की लालच में अंधे हो गए हो तुम लोग। वो खाली हमारी बहन नहीं थी, माफ कर दो, हमारी माँ भी थी। कब आएंगे? आते होंगे। हमको समझ में नहीं आता है कि आदमी बड़ा होता है कि भगवान। देख, भगवान भी भगत के सामने झुक जाते हैं, हमने के क्या करना है, एक बार फोन कर लेते हैं ना। कितने बार फोन करिएगा, बोले ना कि आ रहे हैं, दिमाग खराब करके रख दिए हो भाई। मंदिर से बार 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 फोन करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है भाई। मनी भाई भीतर अपने पत्नी सबके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो खिंचवाले के बाद आएंगे, बुझाए कि नहीं। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे आ जा, सब लोग आ जा, फोटो भी खिंचवा लो, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, लेकिन पहले फोटो तो खिंचवा लो। सर और क्यों है फोटो खिंचवा के खातिर? अरे मजाक करत है हमसे। ऐसा बात नहीं है सर, ऐसा थोबड़ा वाला के इतना बीवी मिलल है, यही से मजाक उड़ावत है ना भाई। कसम से कहते हैं, हम तो ऐसे ही। ए, हम समझते हैं कि हमार थोबड़ा देख के तोरा दिल में का आ रहा है, इतना सारा औरत से हम शादी काहे किए बतावत है। 2 साल हुआ तब वो बच्चा नहीं हुआ, तो हम सोचे कि भाई हम का करें, तो हम एकरा से शादी किए, नाम है बसंती, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब हम एकरा से शादी किए, का नाम है पद्मश्री। हाँ पद्मश्री, तो एकरो बच्चा नहीं हुआ, तब हम का किए कि एकरा से शादी किए, बाकी एकर पेट में भी दर्द नहीं हुआ और यह सिलसिला चलत रहा। अब ई लोग के हम झेल रहे हैं भैया, गहना बनवा रहे हैं, और आप तो देख ही रहे हैं कि ई लोग के साथ हम फोटो भी खिंचवा रहे हैं। अरे खोट तुम्हारा अंदर है तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? क्या रे, खोट हमारे अंदर है तो बच्चा कैसे पैदा होगा यह सोच रहा है ना तू? आपके भीतर खोट कैसे होगा सर? सुन, गलती हमारे अंदर ही है, और जब भी बात हमको पता चला ना तब बहुत देर हो चुका था, हमसे 7 बार गलती हो चुकल था। भाई मंदिर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए। दिखाई नहीं दे रहा हम अपन बीवी सबके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? बात को समझिए भाई, भगत लोग इंतजार कर रहे हैं। करने दो ना, वो लोग जितना इंतजार करेंगे हमारा वैल्यू बढ़ेगा। अरे भाई वहाँ तो एक के देवी है, लेकिन यहाँ पर 7 देवी है एक के साथ, भाई तो इनके साथ फोटो खिंचवाना पड़ेगा ना, साल में एक के बार तो सिंगार करती हैं। भाई साल में एक ही बार था, बाकी के दिन था। फैमिली मैटर में टांग मत घुसाओ, चल हटो जाओ। अरे तुम फोटो खींचो।
अरे नमस्ते 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 कामाक्षी देवी, हमको माफ कर दो। हे पंडित जी, चेहरा काहे लटका के रखे, जोकर दिख रहे हैं। तुम्हारा थोबड़ा बदल देंगे। आप हैं मिस्टर डावेल मनी? हाँ, हम ही हैं डावेल मनी। बाकी माँ बाप हमारे नाम रखे थे मनी रत्नम, क्लास। लेकिन जनता ने हमको नाम दे दिया डावेल मनी। आपको क्या काम है बताइए? हम हैं सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर राय। हम आपके 14 गैर कानूनी शराब के ट्रक पकड़े हैं। अरे भैया, हम तो बहुत सारा गलत काम किए हैं, गौर कर दिए तो क्या हो गया? चोरी से शराब बेचल गलत है, शराब पीना भी तो एगो जुर्म है। लेकिन लोग पीते हैं तो क्या कर लिए वो लोगों का? बात मत कीजिए, अरेस्ट वारंट है, हमारे साथ चलिए। तुम किसको अरेस्ट कर रहे हो? तुम लोग भाई को हाथ भी नहीं लगा सकते। आज तक भाई को कोई छूने का भी कोशिश नहीं किया है। तुमको पता नहीं है भाई क्या चीज है? टांग देगा, टांग देगा। ए, शट अप। अंग्रेजी जान रहे हो? पीछे अंग्रेजी हमको भी आता है। अरे बात सुनो भैया। भाई नहीं भाई, हम आपको अरेस्ट करना है, कर लो। स्वामी, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं जेल और वहाँ से जल्दी आएंगे। तुम लोग चिंता नहीं करो, बिल्कुल नहीं। हमारी गैर हाजिरी में गहना वहना नहीं पहनना, अब जाने दो। अब जा रहे हो बानी स्वामी? छोटे, पुलिस ने अपना काम किया है, अब तुम अपना काम करो। बुझ गए ना? बुझ गए भाई, पूजा आपके हाथे से करवाए के पड़ी। इस शहर में पूजा भगत लोग मंदिर के भीतर हैं, वो सब लोग बाहर कब आएंगे भैया? अरे भैया, जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक मंदिर का दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरा शहर बंद, बंद मतलब सब बंद। बंद करो साहब, किसी को मत छोड़ो। किसी को मत छोड़ना भाई, अरेस्ट हुआ है। चलो सबको। भाई, इस एरिया को छोड़ के हम लोग कहीं और चलते हैं। का है भाई, ये शहर बंद करवा दिए है, इलाका छोड़ दीजिए। अम्बा नाम का एक आदमी रहता है, वो जब भी किसी को पीटता है ना तो नारियल की तरह फोड़ के रख देता है। भाई अपना खैरियत चाहते ना तो यहाँ से ये तो भाग चलिए, भाग चलिए भाई। भाई भाई बंद। देखिए भाई, आप पूरा शहर मत बंद करिए, बस इस साड़ी बेचे वाला मोहल्ला छोड़ दीजिए भाई। यहाँ पर रोज दूसर शहर से लोग साड़ी खरीदे बेचे खातिर रोज आवत जात हैं। वो बंद हो जाएगा यही से कह रहे हैं, ये मोहल्ला छोड़ के चल जाएंगे। बाबूजी, अपना टाइम बहुत अच्छा है, क्यों नहीं आया? यहाँ से निकल लेते हैं भाई। भाई, 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 सांबा आ गया भाई। तू ये बच्चा से डरा रहे हो?
ए, साड़ी वाला के सबके छोटा मत समझना वरना चीर के रख भाई, इसको छोड़ दो भाई। ये 2 लाख रुपया का जो साड़ी जलाया है नुकसान के पैसा भर के ले जा। हम पैसा लेके आवा तो भाई, आप इनको पकड़ के रखो, चल निकल। सुनिए पंडित जी, इंसान के भगवान पर हुक्म ना, भगवान के इंसान पे चलावे चाहिए। उत्सव की तैयारी कीजिए। तहार नाम का है भाई, सांबा। सुनिए भाई जी, तनी इनको इंजेक्शन देवे में मदद कीजिए। ना सिस्टर, आप कुछ कर लीजिए, कौनो फायदा नहीं होने वाला। हम कितना बार समझाए थे कि सांबा का इलाका छोड़ दीजिए, लेकिन मन में नहीं किए। अब नतीजा देखिए, हाथ पैर तुड़वा के हॉस्पिटल में पड़ा है। वो तो इनके किस्मत अच्छा था, कोमा में नहीं गए। भाई भाई, मनी भाई के 2 महीना का सजा हो गया। 2 महीना का? हाँ। ये तो 2 साल तक बेड पे लेटल रहेगा, अब बड़का भाई जेल काटत रहेगा। कौरा, ये हॉस्टल है कि क्लब समझ के रखी हो तुम लोग? अरे हॉस्टल है कौरा, क्लब नहीं, जो यहाँ पर नाच गाना कर रही हो, समझी? ये कहना चाहती हैं आप ना मैडम, बताइए। ओ कहा ना, ये गाना बहुत ही पॉपुलर है, यही से हम गा रहे थे। शट अप, इसलिए हमको मॉडल लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। मैडम को मॉडल लड़की एकदम पसंद नहीं है। मैं इसके बाप से बात करूंगी। मैडम तुम्हारा बाप से बात करेंगे, समझी? तैयारी से। हेलो, मैं गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन मनोरमा बोल रही हूँ। हमको आपकी बेटी के बारे में कंप्लेन करनी है। आपकी बेटी यहाँ हंगामा करके रखी है। सुनो वरदराज। यस मैडम। तुम इनको अच्छी तरह से समझा दो। समझावे का तो पगार मिलेगा ना, कि वही पगार में समझाना पड़ेगा। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हिंदी में के भोजपुरी में? भोजपुरी में। गर्ल हॉस्टल के वॉचमैन वरदराज। हाँ बोलिए। क्या बोली? उनको बोलो कि उनकी बेटी परेशान कर रही है। आपके बेटी परेशान कर ताड़ी? ए हॉस्टल के बिगाड़ के रख दी है। ये हॉस्टल के एकदम में बिगाड़ के रख दी है। ये हॉस्टल को डिस्को बना के रख दिया है इसने। ये हॉस्टल के एकदम से डिस्को बना के रख दिया है सर। आप अपनी बेटी को फोन दीजिए। मैडम डैडी बात करेंगे आपसे, अब खूब डांटेंगे। अच्छी बात है। हेलो डैडी। बेटी तुमने नासिक में हंगामा किया तो पूना भेज दिए, पूना में हंगामा किया तो मुंबई में एडमिशन करवाए। देखो तुमको इस शहर में भेजे हैं पढ़ने के लिए, अब तुम यहाँ भी हंगामा करोगी तो पूरे देश में कोई भी कॉलेज तुमको नहीं मिलेगा। हम कौनो हंगामा नहीं किए डैडी। बेटी तुम कुछ मत बोलो, इस समय तुम्हारे वार्डन ने फोन किया है तो हम सब कुछ समझ रहे हैं। फोन रखो। ओके डैडी। अब आया समझ में, बड़ाई झलक दिखावे वाली। वरदराज चलो मेरे साथ। हम तो तैयार हैं, आप तो चलिए। फीस? कौन बात के फीस? हाँ हमरा से चीटिंग, हम जाके मैडम से बोल दे। तो बोल दे ना, अच्छा से क्लास ली है तो हार। आई विल सी यू इन संध्या, अंग्रेजी में। निकलना भोजपुरी में। वॉचमैन वरदराज के धोखा छोड़ ना। अरे औरत की छोड़ना नहीं चाहिए, इसका कुछ न कुछ इंतजाम तो हम लोग को करना ही चाहिए। जरूर करेंगे। कैसे? कौनो ना कौनो रास्ता तो हमको निकाले के होगा। तोहार लकी नंबर का है? 2। और तोहार? 4। और हमार 3। और हमार 4, लेकिन का है बताते हैं। हमार 3, 2, 4, 3, 4, 3। हेलो, का ये 2, 4, 3, 4, 3 है? हाँ 2, 4, 3, 4, 3। आपके कौन चाहिए? आप चाहिए। का हम चाहिए? इनमें आप ही आप हैं जी। My heart is beating, someone is cheating, I am waiting for you. Superb. थैंक यू। हमनी सहेली सब लकी नंबर निकाल के फोन ट्राई किए और लकीली हमके आप मिल गए। लक आपका नहीं है, लगता हमरा। कौन है? अमेरिका से है, पर्सनल है, तुम जाके सूतो। के? नौकर था क्या? ना भाई, हम अपना के बोल रहे थे। आपकी आवाज बहुत ही खूबसूरत है जी। ऐ उम्र में तो हर लड़की की आवाज खूबसूरत होता है, आपकी उम्र कितना है? वो कहा है ना कि परसों ही हमार उम्र 20 से एक दिन ऊपर हुआ है। मैंने आज का दिन हम लोग कहते लकी है। हम लोग मतलब कितने लोग हैं आप लोग? 5 को सहेली है। एनी प्रॉब्लम? ना ना कोनो प्रॉब्लम नहीं है जी। हम रोजे डिप्स मारते हैं, जिम करते हैं, जिम में सब लोग हमें जिम बॉय कहते हैं। वाओ, आपसे मेरे खातिर बहुत ही मन कर रहा है, मन कर रहा है कि आज रात ही मिल लें। ऐसा बात मत करिए, ये बोलिए हमरा कब कैसे और कहाँ पे आना है, बोलिए ना हम आ जाएंगे। आपको गर्ल्स हॉस्टल पता है? पता है।
अरे क्या बात है भाई, नया जूता, नई शर्ट, नया पैंट, क्या बात है। सब नया है, बस एको तुम ही पुराना। अरे वो सब छोड़ो, मैटर का ही बोलो। वॉकिंग पे जा रहे हैं। वॉकिंग पे जाए खातिर सेंट का है? बसाए मत, अब तहार उम्र सेंट के यूज करे वाला नहीं है। बच्चा हो तो जाके सूझ जाओ, जाओ सूझ जाओ। राजपाल यादव जा दोस्त जा, लगल रहा। मैं आया तेरे लिए। हॉस्टल के गेट के आगे से राइट जाके लेफ्ट में आएगा रूम नंबर 12। अंदर आने में खतरा है। रिस्क हमरा खातिर नहीं, तहरा खातिर। हमको तो इसमें मजा आता है। अरे हम अंदर जाके सबके छुट्टी कर दूंगा। क्या बात है, दरवाजा खुला है। हाँ देखो भीतर ही गया, अब आएगा मजा। फोन पे तो 5 कही थी। मस्त आइटम है, मजा आ जाएगा डार्लिंग। चलो चलो डार्लिंग। 24343 आ गया। तुम ही तो फोन की थी ना, 24343 हम उहे हैं। आँख खोला। ऐसे चिचिया कह रही हो। अरे अरे सुनो, अरे क्या कर रही हो? अरे रे रे, व्हाट हैपेंड इन इंग्लिश? भोजपुरी में बताती हूँ, ये ले। ए ए का हो गया, उसका छुट्टी करना था, यहाँ तो इसी का छुट्टी हो गया। इसी खातिर बुलाए थे का, धुलाई हो गई। My heart is beating. ए 24343 This number is temporarily disconnected. टू पूरा देह तोड़ डाली। क्या हुआ भाई? कल तो बड़े जोश में सेंट लगा रहे थे और आज डिटॉल लगा रहे हो? कल सेंट के रिएक्शन हो गया था, यही से डिटॉल लगा रहे हैं। हाँ। कल तो तुम वॉकिंग पे गए थे ना? गए थे वॉकिंग पे, बाकी अच्छा खासा पैकिंग करवा के आ गए। अरे क्या हुआ, साफ साफ बताओ। एक्सीडेंट हो गया, वॉकिंग ही कर रहे थे, एगो ट्रक धक्का मारा। ये बताओ ड्राइवर लेकी थी? बहुत भारी थी। तोरा देख के तो लग नहीं रहा कि कोनो ट्रक ने मारा है। तहरा का पता, जहाँ लगना था वहाँ लगा। ठीक है हाँ। पैसे भी हमें उससे का लेना देना, फिर मिला। एक कहा कह रहा है, फिक्र कर रहा है कि खिंचाई। अरे कोनो फोन उठाओ रे। बाहर जा रहे हो क्या बेटा? आज का तारीख है ना, पुलिस स्टेशन जाएगी। बा समय कब खत्म होगा बताया? नहीं आज पता चली। नमस्कार सर। हाँ हाँ, अरे सांबा क्या हाल है? हाल अच्छा होता तो यहाँ क्यों आता? 2 महीना का बात है, फ्री हो जाओगे। दुर्गा रजिस्टर लेके आइया, अगला 15 अगस्त तक के तू यहाँ से जा सकते हो, तब तक तेरा यहीं रहना है। 15 अगस्त तक, एकर मतलब 3600 घंटा तक, मने 2,16,000 मिनट बिताइब, 1-1 मिनट बिताइब। पिताजी, हम कसम खाते हैं अपने पूर्वज लोग के और 36 करोड़ देवता लोग के, आपकी इच्छा हम पूरी करेंगे पिताजी। ओकरा खातिर हम मरे खातिर भी तैयार हैं और मारे खातिर भी, ये हमार कसम है। ओम नमः शिवाय। सुना बेटा सांबा, ये लोग फ्रांस देश से आए हैं। नमस्कार। देश और यहाँ की सभ्यता के बहुत पसंद करते हैं। ये लड़कियां 3 साल से रह के कुचिपुड़ी डांस सीखी है, बहुत बढ़िया हिंदी बोलती है। हाँ। ये अपना शादी अपना रीति रिवाज से करना चाहती है। हाँ। कहे कि इसको भारतीय रीति रिवाज बहुत पसंद है, इसीलिए इसने ऐसा सोचा है। सिल्क साड़ी दिखाने के लिए अपन पति को यहाँ लेकर के आई है, जरा दिखाओ ना इसको बेटा, दिखाओ। आई। अरे सुन भाई, शादी वाला सिल्क का साड़ी दिखा। जी भाई। बैठिए, आप लोग मंदिर देखें, हम बाद में आपको दिखा देंगे। ऑल दीज आर सपोज टू बी द स्पेशल मैरिज साड़ीज। वो सब साड़ी कितने का है?
वो सब 80,000 से 1,00,000 तक का साड़ी है। 1,00,000? Is it a sari or gold? It's both. It's sari with gold. ये सोना से कढ़ा हुआ साड़ी है। हम इससे कीमती साड़ी भी दिखाते हैं। चलिए आइए हमारे साथ। आइए। हमारे काम में कोई बेमानी नहीं होती। इस साड़ी देखिए। क्या? तमिलनाडु एंडोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग ब्राह्मण उत्सव खातिर तिरुमल वेंकटेश्वर स्वामी जी खातिर ऑर्डर किया हुआ साड़ी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 10 दिन उपवास रख के इन लोगों ने ये स्पेशल साड़ी बनाई है। इस साड़ी की कीमत 2,15,000 हो। इस साड़ी में 1 नंबर का जरी सिल्क धागा लगा है और उसके साथ में आधा किलो चांदी है और उसके साथ 200 ग्राम सोना भी है। सब मिला के पूरा 1 किलो का वजन है, लेकिन इसको पहनने पर वजन का पता ही नहीं चलता। यही तो है कांजी साड़ी की खासियत। वहाँ देखें, सोने का धागा तैयार हो रहा है। आई ना, ये पूरा 24 कैरेट सोना है। इस साड़ी के बॉर्डर को हम सोना के धागा से सजाते हैं। It's amazing. आपके चाहिए तो ऑर्डर कर दें, हम बनवा दे। No, I don't want. मैं खुद ही पैसा नहीं कमाते तब तक ऐसा साड़ी नहीं लेंगे। Now I'll take one marriage saree. आई, कांची में कुल मिला के हजारों मंदिर हो, यही खातिर कांचीपुरम को सिटी ऑफ 1,000 टेम्पल्स कहा जाता है। पूरे भारत में 51 शक्ति पीठ है, जिसमें सबसे मुख्य है ई कांची पीठ। यहाँ शक्ति के रूप में कामाक्षी देवी है। पहले माँ के यहाँ नर बलि चढ़ाया जाता था। उनकर क्रोध को कम करे खातिर हमारे यहाँ के प्रसिद्ध जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी श्री यंत्र को स्थापित करके उनके क्रोध को शांत किए। देखिए, वो है श्री यंत्र। कांची नाम से हमको याद आया, जब छिपकली हमारे ऊपर गिरे तो शुभ होता है, ऐसा हिंदू शास्त्र में लिखा है। यहाँ के सोने और चांदी की छिपकली को छूने से कष्ट दूर होता है। यस, तो कैसा लगा हमारा मंदिर? ब्यूटीफुल। आपका दिखाया कांची का साड़ी, आपका दिखाया मंदिर और आपका कहा कांची का बात और देवी का वाहन के बारे में, वी नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। थैंक यू। आई ना ना, अरे बाप रे, हमको फोन नहीं उठाना। अरे चुप हो जा। क्या हुआ रे? ये कौन भूत थोड़ी ना, फोन का घंटी है, तू उठा का ही नहीं रहा। अरे हाथ मत लगा, तुमको ही फोन का घंटी सुनाई दे रहा है। अरे हमको हॉरर सुनाई दे रहा है। और क्या है? हमको यमराज का पच्चाप लग रहा है। क्या बात कर रहा है? हेलो हेलो, 24343? यस, 24343, क्या चाहिए बोलो? हमको आप चाहिए। हम? वो का है? दिल में आप ही आप है जी। अच्छा, दिल के भीतर बड़ा अरमान है। सीधे सीधे बोली, क्या चाहिए? आप आइएगा ना। ऐसा मौका कौन बेवकूफ खोना चाहेगा, हम जरूर आए। भाई बैठो। रात में 11 बजे गर्ल्स हॉस्टल में बुलाई है ना? हाँ, तो गेट से दहिने मुड़ते रूम नंबर 12 होगा, ऐसा कही ना? अरे एकदम सही बोले, तो का कैसे पता? हाँ, अरे भाई वहाँ पर एगो बड़का ट्रक मिलेगा जेकरा में कोनो ब्रेक नहीं रहेगा, इंसान को सीधे चढ़ बैठता है। वो ट्रक में ब्रेक कैसे लगाया जाता है हम बढ़िया से जानते हैं, तू जाके सोच जा। अरे कौन है? हिंदी में के बा, वहाँ भोजपुरी में हम, यहाँ वॉचमैन वरदराज, सब भाषा बोलता है, समझ गया कि नहीं? अरे बाप, कमीज हिंदी में, पैंट अंग्रेजी में, जूता भोजपुरी में। अब आगे आगे अब आएगा मसा। क्या हुआ? अभी तक मैडम के रूम से कोनो आवाज नहीं आया। कहीं अंदर कुछ हो तो नहीं गया होगा? तो दोनों जाके देखो तो। चलो। ये दोनों वहीं जाके बैठ गए, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों आपस में मिल गए हो? तो दोनों जाके देखो। हाँ?
के हो तुम? अरे कितना सुन 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 सुंदर लड़की है आप, हम तो सोचे भी नहीं थे, शौक में है, हमारे दिम, 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 दिमाग झनझना गया है। ए तुम जाओ, हम कहते हैं तुम जाओ यहाँ से। 2-4-3-4-3 ई है बोली थी ना, अब बच के कहाँ जाओगी? अरे हम तो मजाक कर रहे थे। कितना अनजान बन रही हो, बुलाना और फिर भगाना। सर पहन के हम कुछ नहीं कर पाते, यही खतरे उतार रहे हैं। ए दरवाजा खोलो, अंदर क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो भाई। अरे भीतर क्या चल रहा है भोजपुरी में? अरे कोऑपरेट करो ना, ऐसे कैसे कर रही हो? चल आज 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 तू बच के जाएगी कहाँ? जाओ नहीं हंसे, क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा था? ये है मैडम, वहाँ हमारा कपड़ा उतार दिया, यहाँ अपना उतार रहा है। इसे लॉस समझ रखा है क्या? सही कही, इलाज है कर, टेल मी। हमार कोनो गलती नहीं, यहाँ आवे को कोनो शौक नहीं है, ये हमका फोन करके बुलाई है, पूछ लीजिए। संध्या क्या ये सच है? मैडम देखा, हमने के देश में औरत का बहुत इज्जत किया जाता है, ये सब हरकत करके तो का शर्म नहीं आ रही है? मजाक करो बट एक लिमिट में करो, ध्यान रखना। नमस्कार मैडम, मेरा नाम है सांबा, सांबा शिवरेड्डी। सबक सिखाने का तरीका गलत था, उसके लिए माफी चाहते हैं। नमस्कार। ए कल सुबह हॉस्टल खाली कर देना, समझ गई? कल सवेरे हॉस्टल खाली, समझ नहीं, भोजपुरी में। वरदा मुंह बंद रखो। वरदा मुंह बंद, आई मैडम, चलिंग। कौन था वो, इतना हंगामा मचा दिया? ए ओकरा के कुछ मत कहना, ओकरा बारे में तू लोग नहीं जानती, वो बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो ओकरा के जानती हो? जानते हैं, वो गरीबन का मसीहा कहलाता है, हम ओकरा से प्यार करते हैं। है? बाप रे यहाँ? हे पूरा सामान लेके तू यहाँ? का तहार यहाँ में रह के इरादा है का? बिल्कुल सही सोचे हैं। 2-4-3-4-3 ये सामान तनी भीतर लेके जाओ। ये का बोल रही हो जी तुम? ये घर में तका पूरा मोहल्ला में नहीं रह सकती, जा। देखो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम, अगर तू हमारा सामान अंदर नहीं रखे ना तो तुम्हार सामान बहुत फेंकवा देंगे हम। अरे बाप रे। सुनो गणेश कहाँ है? ओ लेडीज हॉस्टल है, आपका लेने आई है यहाँ। नमस्ते सर, कल रात के आप जो हंगामा किए थे वो चलते वार्डन हमको हॉस्टल से निकाल दी है। का? वार्डन तुमको सच में निकाल दी है? साचे निकाल दी, एक तो अकेले लेकी, ऊपर से जवान, जाए तो कहाँ जाए समझ नहीं पाए, यही से यहाँ चले आए। अगर आप हमको अपने घर में रख ले तो। हमारे घर में? देखा हमारे घर में कौन जगह नहीं है, टाइम वेस्ट मत करा, दूसर जगह ढूंढ ला। बाहर रहेंगे तो हमारे इज्जत के बहुत ही खतरा है। सो तकसर तहार बॉडीगार्ड है, चला 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 निकला। बस 3 महीना खातिर हमको एक बार रह दीजिए सर, हम डॉक्टर बन जाएंगे सर, ना तो हमारी पढ़ाई पूरा खराब हो जाएगा। प्लीज आप हमरा पे ना सही, हमार पढ़ाई पे तरस खाइए सर, आप हमरा के यहाँ रह दीजिए प्लीज। ए भाई एकरा बात से पिघलिया मत, तेजाब है तेजाब। अरे जायद अकेली लेकी बा, देखा हम अनजान लेकी के अपने घर में नहीं रखते हैं, तो हर पढ़ाई का मामला यही से रख रहे हैं, कोनो उल्टा सीधा हरकत मत करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, सुना? एंकर सामान अंदर रख दे। बाप रे नाटकबाज लेकी है। वाओ कितना अच्छा सा। अरे हाथ मत लगाइए, साफ करना पड़ेगा। शट अप। कौन है ये लड़की? अभी शहर में आई है पिताजी। हमारा नाम संध्या है, हम डॉक्टरी की पढ़ाई खातिर शहर आए हैं, हॉस्टल में थोड़ा प्रॉब्लम था। पढ़ाई के नाम सुनते ही सांबा घर पे रहे खातिर हम ही भर दिए। ऐसा है तो इसको भीतर लेके जाओ ना बेटा। हाँ लेके जा रहे हैं, एने से ऑर्डर आ गया, उन्हें से ऑर्डर आ गया, लेके जाना ही पड़ेगा, लेके जा रहे हैं, ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। रेस्पेक्ट, इज्जत, यहाँ सब लोग हमरा से इज्जत से बात करता है, अगर केहू बेइज्जती से बात करेगा ना तो हमार खून खौलने लगता है। अरे कम से कम यहाँ तो इज्जत से बात कीजिए। ठीक है, रसोई घर के नहीं। रसोई में तुम्हारा कौन काम? गृह प्रवेश किए है ना, दूध उबालेंगे फिर ओकरा खीर बनाएंगे। खीर बनाएंगे ना, सांबा के दूध के खीर पसंद नहीं है। देखा ये खीर कोनो मामूली खीर नहीं, ऐसन खीर बनाएंगे कि सांबा अंगूरी चाटत रह जाएंगे। हम ओकरा के अच्छे से जानते हैं, वो खीर नहीं खाएगा। तुम चैलेंज करते हो? करते हैं ना। तो ठीक है, हम हार गए तो तोहरा के होंठ पे चुम्मा देंगे, अगर तू हार गए तो तू हमार सब कपड़ा धोगे, ठीक है ना? तारा के पहनल कपड़ा समेत धो डालेंगे।
लाइफ बॉय से मुंह धो के क्लोजअप से दांत साफ किए हैं। चुम्मा दे दूंगा। अरे हमार सपना की राजकुमार, पहले अपन लुंगी तो संभाल। एगो बात बोले, तहरा में शर्म तनी कम है। मरद सबके बीच शर्माना चाहिए, उ लोग के बीच में ना। अबे तहार मतलब हम मौगा हैं। यस। सांबा की खीर दे के आते हैं। जा बचिया जा, तहार एंट्री और एग्जिट संगे हुई। सुनी ना। का सुनी? खीर है। खीर नहीं खाते, वापस ले जा। मामूली खीर ना है, स्पेशल खीर है। स्पेशल खीर बा, देखिए। चलना धोवा। ये बतावाई तहार अकेले के कपड़ा है कि पूरा हॉस्टल के लड़कियन के? सब हमार है। ओहो, इहो हमरा के धोए के बा? कौनो जरूरत नहीं, इसको हम तो हर गुरु से धोवाएंगे। पंगा भी लिए तो हमार गुरु के साथ है, गुरु के जानती नहीं तहरे के धो डालेगा। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते कांतिमा, वैसे ये लड़की कौन है? ये हमारी बेटी है बाबूजी, लक्ष्मी। अगर आपके पास कुछ काम मिल जाता तो। ये क्या कह रही है कांतिमा, आप ही तो कह रहे थे कि आपकी बेटी 10वीं क्लास में फर्स्ट क्लास में पास हुई थी। हाँ बाबूजी। फिर इतना अच्छा लड़की के पढ़ाई छोड़ के काम पे काहे लगा रही है? ये पढ़ना तो चाहती है, बाकी हमारा हैसियत नहीं है ना बेटा। देखिए कांतिमा, पढ़ाई खातिर हैसियत ना लगन चाहिए, और फिर एगो करोड़पति दूसरा के करोड़पति ना बना सकेला, बल्कि एगो ग्रेजुएट 100 लोगन के ग्रेजुएट बना सकेला। पैसा तो हाथ के मैल होता है, और पढ़ाई जीवन का राशि। जिकरा में सरस्वती का वास होता है, उकरा खातिर लक्ष्मी नहीं है कह के ठुकराइए मत। देखा बहन, हम तोहरा के पढ़ाएंगे। आज हम तोहरा के पढ़ा रहे हैं, यही तरह तू काल 4 लोग को पढ़ाना। एगो भूखा के खाना खिलावे से ज्यादा पुण्य के काम है एगो अनपढ़ के शिक्षा देना। ये हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा। देखा भाई, जीप चकाचक चमका दिए हैं। जीप चमकावे की आदत तोरा के अच्छा पड़ गई। नहीं बोले लगल बड़ा तू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तोरा के ना, इनका के बोले हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हैं, जीप में आदमी बाहर जाता है, बाथरूम में नहीं। फिर हमरा के कॉलेज तक छोड़ दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल ना भाई, कोनो काम से शहर जा रहे हैं। चले देना, कॉलेज रास्ता में है, छोड़ देंगे। हाँ, आज जीप में चढ़ रही है, कल कपार पे चढ़ेगी। जब चढ़ेगी तब देख लेंगे, तुम बैठो। चला निकला। का? भाई वो नर्स है ना? अबे वो पागल, मेडिकल कॉलेज है तो नर्स ही आएगी ना। ए डॉक्टर डार्लिंग, इंजेक्शन दे दूंगा। भाई वो आपको करिया दी। इडियट। अरे पागल, वो गाली थोड़े ना दी है, वो तो हमको प्यार से मुन्ना भाई MBBS बोली है। अच्छा। हम तो देखने में भी हीरो जैसा ही लगते हैं ना। अरे के नशे आ गया, अबे चल भाग यहाँ से। गए 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 गए। बाप रे, इतने सांबा का आइटम लगती है। बाप रे, ए हमने कभी सांबा के गर्लफ्रेंड को छेड़े तो नहीं है ना? नहीं, अच्छे से याद के कहीं गड़बड़ हो जाए। अबे तू पीछे हट, बेवकूफ। कल से हम लोग एक कॉलेज की तरह मुड़ के भी नहीं देखेंगे। सांझ के जल्दी घर आ जाएंगे सर। कॉलेज छुटे के बाद आना, छुट्टी लेके मत आना। टाइम हो रहा है, जाओ अब क्लास में। थैंक यू सर। हे भगवान, वो अभी जल्दी जाने वाला है, तब तक तुम लोग छुपे रहो। है ये मत मरिए भाई। मेडिकल कॉलेज में तेरा क्या काम है? अपना दोस्त लोग से मिले। क्या बोले? बचपन से हमारे माँ बाप का ये इच्छा था कि हम एक दिन डॉक्टर बने, बाकी किस्मत हमको गुंडा बना दिया। अपन माँ बाप की आत्मा की शांति खाते कभी कभी सफेद कमीज पहन के आ जाते हैं। आप चश्मा उतारे, हम कमीज उतारे। भाई भाई एक बात का है भाई, अपना एकदम मस्त आइटम बताए। आइटम ना ना, गलती हो गई हमने के भाभी जी। ए, आज के बाद ही कॉलेज के आजू बाजू यहाँ उहाँ भटकता दिखा या 5 किलोमीटर दूर भी नजर आया ना तो नहीं दिखेंगे भाई, हम कभी नहीं दिखेंगे, हम जा रहे हैं भाई। ए, अरे नहीं, जल्दी चलो जल्दी चलो भागो। संध्या आखिर में तो ओकरा घर में सेटल हो ही गई। घर में तो सेटल हो गए, अब अपना शादी सेट करना है। इतना जल्दी शादी का फैसला भी कर ली? हम सब सोच समझ कर ही करते हैं, शादी करे खातिर ही ओकरा घरे गए थे। एक बार सोच लो, इतना जल्दी फैसला मत करो। हम डिसाइड कर लिए हैं कि शादी करेंगे तो सांबा से ही करेंगे, ना तो केहूं और से नहीं।
नमस्कार भैया। सांबा कहाँ? ऑर्डर लेवे दूसरा शहर गया है, सांस तक आ जाएगा, आप आई ना। नाम का है बेटी तहर? संध्या। यहाँ क्या कर रही है? मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। कौन गांव के हो? गाजीपुर के। खाना अच्छा बना बेटी, सांबा के भी खिलाना एक बार। हम तो उनका के जिंदगी भर खिलाए खातिर तैयार हैं। तू सांबा से प्यार करती हो? मामा जी। सांबा, सांबा, कहाँ हुआ बेटा? सांबा, कहाँ हुआ बेटा? सांबा, सांबा, कहाँ हुआ? कौन बात हो गया का? सांबा, सांबा। नहीं, सांबा, हम उस सब के नहीं छोड़ेंगे मामा, ना ही छोड़ेंगे किसी को। सांबा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सांबा, आप कहे आए हैं? दीदी हमसे कहें कि देख के आओ। कह दीजिएगा कि हम जिंदा हैं, और ये भी कह दीजिएगा कि अभी मरने वाले नहीं हैं। कब जा रहे हैं? कल सवेरे चले जाएंगे। हम कहते हैं अभी जाइए, चले जाइए। अच्छा तो हम चलते हैं। अगर तू सांबा से प्यार करती हो तो तू ओकरा से शादी कर लो। देखा बेटी, वो अपन गला में विष रख के जी रहा है, तू ओकर गला में अमृत भर सकती हो। तारा से ये प्रार्थना करते हैं कि सांबा की रक्षा करिएगा और ओकरा के सही सलामत एक गांव में भेज दीजिएगा। माँ भाई, आप सांबा के पास गए, तेरा भाई वापस कब आएगा? वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और ये आंसू आपन हाथ से पोछेगा। वो दीदी कैसा है? अब ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रही हैं। दीदी सांबा कैसा है? बहुत अच्छा है। कब आएगा? 15 अगस्त को आएगा। तो फिर 120 घंटा 8200 मिनट वो ए जगह पे कदम रखेगा, और उसे लाने वाला वास्तु खातिर ही हम इंतजार कर रहे हैं। जाओ। आप खाना नहीं खाई? जाओ। अरे दरवाजा बंद कर, रोशनी से हमको तकलीफ होती है। भाई, स्वामी, भाई आ गए, भाई आ गए। आप
आप आ गए। बीवी प्यार कर दिया। अंदर सिर्फ सलाखे हैं, बाहर साथ वो बीवी। अब देखो अंदर दुख ही दुख है और बाहर सुख ही सुख। तुम लोग इस तरह शर्मा कहाँ रहे हो? जाए दी ना भैया। छोटे कहाँ है? छोटू भैया अस्पताल में है। अस्पताल में? वो कहाँ है? ये रहे भैया। भाई हमरे भाई की हालत किसने किया रे? सांबा का कोनो गलती नहीं भैया। हम इनका बहुत समझाए थे कि उनके इलाके में मत जाओ, लेकिन मन में नहीं किए। वो कहाँ रहता है? आप वहाँ काहे खाते जाइएगा? वो कहीं भी रहता है, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सातों बीवी सब विधवा हो जाएगी। ए समय वो कहाँ मिलेगा बताओ। चली भाई अब बैठिए, हम देख क्या दे रहे हैं। बैठिए ना, होता भी अच्छा है। भाई सांबा जी है का? नहीं है, नहीं है ना? नहीं घर पे नहीं है। भैया भैया कोई है नहीं है। अब चलिए ओकरा से बाद में मिल लीजिएगा। ये कौन है? सांबा का आइटम है, ओकरा में देखिए गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हे जा लड़की को उठा ले। लड़की को उठा कर ले जाएंगे तो सांबा अपने आप आएगा। जरूरी आएगा। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते नमस्ते। आप हमको यहाँ काहे खातिर लाए हैं? तू घबरा मत, सांबा को यहाँ बुलाने के लिए तुमको पकड़ कर लाए हैं, समझ गई ना? तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टर आप कैसन है? ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? मुंह होने करो। ए, तू क्या देख रहा है बे? लड़की को। ए, ये देखेगा चीज है का? अरे अगर सांबा को पता चल गया ना तो सबका टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। सिस्टर ली है पी ली ही, ये ठंडा है, ब्रांडी नहीं है सिस्टर। इसको खास तौर पे आपके खातिर जू सेंटर से लेके आए हैं सिस्टर। यहाँ आपको कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा सिस्टर। सिस्टर पी सकता हूँ का? नहीं पीऊँ सिस्टर। आज तक जिंदगी में केहू से विनती नहीं की है, पर कोनो बात नहीं सिस्टर। सांबा से हमारे कोनो शिकायत मत कीजिए। काहे सांबा से डराते हो? बिल्कुल बहुत डर लगता है। काहे सिस्टर मुंबई में एंटोफिल का इलाका पता है? जानते हैं, हम वो इलाका का दादा हुआ करते थे। पब्लिक हमारा नाम सुनकर थरथराने लगती थी। पुलिस को इतना इज्जत नहीं मिलता था जितना कि हमको मिलता था, वो भी जब हम सफेद कमीज और जींस पहन के मार्केट में निकलते थे तो सबका बोलते बंद। एक दिन काम है सिस्टर। अन्ना नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ए तू लोग पूरा मार्केट से जाके वसूली करो रे। आजकल हरिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोमा में? कोमा में? आज तक हम पूर्ण विराम सुनते थे। कोमा का होता है? कोमा मतलब आदमी अपना होश में नहीं रहता है भाई, सालों साल बेड़े पर रहता। अच्छा, है रक्षक सिनेमा में सुनील शेट्टी जैसे था वैसे ही? और का भाई। अरे तो हमको किससे डर है रे? ए हट बे। क्या भाभी आज तो बहुत सुंदर लग रही है, घूमने चलोगी क्या? ये टमाटर बहुत अच्छे है, 2-4 किलो रख ले, ले पकड़। ऐसे का घूर रहे? शूल का सत्य है क्या? अबे विरार मारूंगा तो चर्च गेट जाके गिरेगा। बुझाया कि नहीं? चश्मा निकाल, निकाल चश्मा। ओ दिन से हम साँचो के चल गए कोमा में और 2 साल के बाद वापस आए। अबे मुंह घुमा बे। सिस्टर अगर आप हमारी कंप्लेन कर दी तो हम तो सीधा वापस कोमा में। मनी जी कहाँ पड़े? आप ऑफिस में बैठे हैं, सीधा जाइए। अच्छा वो आ गया। आपके साथ कोनो बदतमीजी नहीं किए, शिकायत मत कीजिएगा। नमस्कार सर, हमारा नाम सांबा है। सांबा नाम सुने तो सोचा कोनो पहलवान टाइप आदमी होगा, लेकिन तुम तो एकदम बच्चा निकला। तुमने हमारे भाई को काहे मारा? इतना हिम्मत कहाँ से आया रहे? सर ना ही प्रदेश हमारा है, ना ही भाषा और ना ही शहर। हम यहाँ 4 पैसा कमाने आए हैं सर। लड़की पढ़ाई खातिर आई है, रहने का दिक्कत था इसीलिए हमारे घर में रहने की जगह दी।
देखिए आपके भाई को मारे, ये हमारी गलती थी, ये बात को हम स्वीकार करते हैं, हमको माफ कर दीजिए। तुमको माफ कर दें? अरे तुमने हमारे भाई को मारा और हम तुमको माफ कर दें कैसे? बोले ना हमसे गलती हो गई तो अब काहे बहस कर रहे हैं। हाँ तो संध्या तू यहाँ आ। भाई बुला रहे, जाइए जाइए। ए हट, वो यहाँ नहीं आएगी। बीपी मत बढ़ाओ, बीपी मत बढ़ाओ, उम्र में बड़े हो इसीलिए इज्जत कर रहे हैं। गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। हाँ ए चला आ। अरे भाई सांबा, अरे बाप रे, इधर आ रहे। तू यहाँ कैसे? हाँ हम कुछ नहीं जानते भाई, अगर एक गुस्सा मारेंगे तो हम मर जाएंगे भाई। इसको लेके जाइए, जल्दी जाइए भाई। हम आपको कितना समझाए थे भाई, लेकिन समझ में नहीं किया। शराब नहीं मिलता और यहाँ हजारों बोतल खराब हो रहा है। है तोहार गुंडागर्दी? अरे तो हर जगह पे आके तुमको मारे, इसको दादागिरी कहते हैं, दादागिरी। आग को छुएगा तो जल जाएगा, और एक बात कान खोल के सुन ले कि सांभा से टक्कर लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा, तो समझ गया? तो अरे रे 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 रे, सब शराब बनाने वाला कोमा में चला गया। हे भगवान, पूरा का पूरा शराब खराब हो गया। मनी भाई ए मनी, कोमा में गया कारे? कितना बोले थे कि सांबा से पंगा मत ले, मन में नहीं किए, अब नतीजा देख लिए ना, बड़े शीशा जैसा चूर हो गए हैं। अब कोमा में चले गए तो सोना हम ले लेते हैं। भाई आपको तो होश आ गया, आप कोमा में नहीं है। भाई आप तो पहलवान है, क्या बॉडी है आपकी। भाई अगर आपको फिर से मारेगा तब वो आपको कुछ नहीं होगा। ए लड़का के कौन चीज पे घमंड है रे? भगवान हमार सांबा जहां भी होगे ओकरा के सही सलामत रखिया, ओकरा के कुछ ना होगे। प्रणाम।
नमस्ते जी। आओ। पंद्रह अगस्त आपका तड़ी पार समाप्त हो रहा है, आप अपने शहर जा सकते हैं। भैया जी आपका तड़ी पार का समय खत्म हो गया, आप ठीक है ना? लगता है अपने सेठ जी भीतर हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। माल माल किधर है भाई? हम पूरा जायदाद और परिवार वाला को खो चुके हैं। कहां महल में रहा करते थे और अब खंडहर में रह रहे हैं। आप जौन पैसा दिए हैं हम ओकरा के लौटा देंगे, बस थोड़ा थोड़ा समय दे दीजिए। आप 15 अगस्त तक रुक जाइए, हमार सामा हमरा मिल जाएगा, हम सब कुछ दे देंगे। लास्ट चांस। हाँ भैया। भैया का सांबा आएगा? आएगा, वो जरूर आएगा, वो शेर है, हमरा पूरा यकीन बा, वो सब वापस दिलवाएगा। देखा संध्या, तू इस शहर में पढ़े आई हो और मजाक में हमरे घरे, तो ये मजाक को मजाक में ही रहने दो, प्यार में नहीं बदलना। तू हमरा से प्यार करो चाहे मत करो, हम तो दोनों से प्यार कर सकते हैं ना। भगवान इंसान के दो आंख दो हाथ और दो पैर दिए हैं, लेकिन दिल सिर्फ एक। तुमको पता है क्यों? ताकि किसी एक को दिया जाए, और तुम जानती हो कि तुम हमारे दिल में नहीं हो। और वो है भगवान हम लोग के एक दिल दिए हैं सांभा, और वो दिल में खाली तुम बसे हो, ये तुम अच्छा से जानते हो। संध्या प्लीज भूल जा। तो हर इजाजत लेके प्यार करेंगे तो प्यार नहीं होगा, तो हर कहला से प्यार कर छोड़ देंगे तो वो असली प्यार नहीं। संध्या पागलों जैसी बात मत करो। अगर तोहरा हमारे बात पागल जैसा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तोहरा के चाटा नहीं मारे, एहसास कराए, प्यार के नाम पे अपने आप को धोखा मत दो। हमरा उम्मीद है कि एक ना एक दिन तू हमरा से प्यार जरूर करने लगोगे। भगवान हम और सांबा दोनों सालों से वनवास के जिंदगी गुजार रहे हैं, काल हमनी के बनवास खत्म हो रहा है, हमार प्रॉपर्टी हमरा मिल जाएगा, शुक्रिया भगवान। ए गणेश हम चलते हैं, पिताजी अब आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे वो संध्या कहाँ हुआ बड़ा? कॉलेज गई है बेटा। कोनो बात नहीं, हम चलते हैं, चले। क्या भैया अभी तक सांबा आया नहीं? इंसान समय के साथ चलता है, समय इंसान के साथ नहीं। अरे भाई हाँ? लगता है जिंदा है। हाँ? भाई भाई जल्दी हाँ? उठाओ। हाँ, हाँ? आ, 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 जाओगे।
मार दे ओके, मार, खत्म कर दे मार। मामा जी, वहाँ सांबा। भागे भागे भैया। सांबा बेटा, सांबा थोड़ा पानी लेकर आवा। नंदू, बीच में आके हमको बचा लिया। बोलो, कभी भी मेरा रास्ता रोककर चाकू मारे तो मेरा क्या होगा? तुम डॉक्टर बनने वाली हो, तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए। उस समय दिल बहुत तेजी से धड़कता है, अगर केहू पानी पिलाए तो मत पीना। सांबा बेटा पानी पियो। जहाँ घाव लगा हो वहाँ कपड़े से कस के बांध लेना। चली, घर चली। हमारा प्यारा सांबा मर गया। सांबा मर गया, हमार जिगर का टुकड़ा मर गया। ओकरा मारे खातिर हम का नहीं किए, हजारों आदमी भेजे पर सब वापस आ गया। उसको ताकत पे भरोसा था, पर हमको भगवान पे और भगवान के ही कृपा से वो आज मारा गया। और ऐसा हमरा हाथ से ही हुआ। हे ऊपर वाले, आज हमार प्रार्थना सुन लिए। हम ही कह रहे हैं कि ऐसा खुशी के मौका पर अगर ये न्यूज मिल गया कि सांबा जिंदा है तो क्या होगा? बकवास करता है तू, कैसे बचेगा, कैसे बचेगा वो? भाई भाई भाई, सांबा अभी जिंदा है, उसका इलाज उसका घर पे ही चल रहा है। सांबा, अरे कैसे बच सकता है वो? ऐसे कहे चिचिया रहे हो भाई? ए भाई, अपना माथा बाद में फोड़िएगा, पहले वही भाग चला जाए जहाँ से आए हम लोग। खाला खाला, पढ़ाई कितना वैल्यू काहे देते हैं पिताजी? काहे कि हमके ओकर मोल पता है। डॉक्टर साहब तनी ही आइए। अभी कैसा है सांबा? अभी ठीक है, बाकी खून ज्यादा बह गया। तो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी? नहीं, उसको यहाँ से ले जाना सेफ नहीं है। उसको कुछ होगा तो जनता को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उम्र में वो छोटा है, बाकी लोग खातिर भगवान है। एसपी साहब, आप कहते हैं कि वो भगवान है, भगवान का कभी मौत होता है का? डॉक्टर से दवाई से ज्यादा लोग का दुआ काम आएगा। वो जिएगा और जरूर जिएगा, वो जिएगा। बहुत दिन के बाद तहार मंदिर में हम दिया जलाए हैं। काहे पता है तहारा? काहे कि तुम हमार घर की चिराग बुझे से बचाए। हमार पोता को बचा लो भगवान, वो हजार लोग के घर का चिराग जलाएगा। दादी माँ, हमार नाम संध्या है, एसपी मोहनदास की बेटी है हम। हम और नंदिनी कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। नंदिनी से सांबा के बारे में बहुत कुछ सुने थे। वो लोग सांबा के इतना बेरहमी से मारे की कोशिश काहे किए? ये बताइए दादी माँ, सांबा ऐसे इतना कठोर और क्रूर दिल का इंसान कैसे बन गया दादी माँ? सांबा का मन बहुत ही कोमल था बेटी, लेकिन उसी सांबा के हालात कठोर बने पर मजबूर कर दिया। मेमोरियल कॉलेज के कैप्टन मिस्टर सांबा और सिटी कॉलेज के कैप्टन मिस्टर राजीव सांबा रेड्डी। मेमोरियल कॉलेज के कैप्टन सांबा शिवा रेड्डी। Let's go.
सिटी कॉलेज के कैप्टन मिस्टर राजीव। होने लाल ड्रेस में जो लड़की ओकरा देख ले। अच्छी है, बहुत अच्छी। ओ हमार गर्लफ्रेंड है, ओकरा से कब जीते का वादा किए हैं। ये मैं छाड़ जो सेफ रहेगा। ए हे, हमहू अपने दादाजी से प्रॉमिस किए हैं कि इस जिंदगी में कभी नहीं हारेंगे और अभी तक अपना वादा निभाया है। हारोगे तो जरूर, ना तो पीछे मुड़ के चलते बनो क्या। ये हमारे कॉलेज का हीरो है। पढ़े में, लाइकिन गुरुलावे में, मस्ती करे में, सब में नंबर वन बा। तुम धर्मराज जी के बेटा हो ना? जी हाँ सर। हम तुम्हारे पिताजी को जानते हैं, वो बहुत नेक दिल इंसान है। ऐसे ही उनका नाम रोशन कर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। करे भीख चाहिएगा? कप दे के जो। हारने वाले को कप नहीं चप्पल मिलता है। चाहिए कप दे के जो। ये ऐसे मानने वाला नहीं है, बजा दी गेम। अभी पंगा लेने का मूड नहीं है, हम ही साइड में हो लेते। सारे बच के भाग रहा था। चपड़ गंजू, जल्दी में थे, यही खातिर जा रहे थे। हम भागने वालों में से नहीं है। ये ट्रेन को निकलने में 4 मिनट लगेगा, तब तक तुम सबका बाजा बजाते हैं। आओ। कॉलेज में पढ़ता है, यही खातिर छोड़ रहे हैं। अगर फिर से हमारे रास्ते में आए ना, जिंदा गाड़ देंगे बुढ़पा। का मारी कुंवर जी, अब तो वो कोनो ट्रीटमेंट के काबिल भी नहीं रहा। अच्छा हुआ हम उसको मारे, अगर यह हालत वो हमारी किया होता तो बताओ उस समय हम क्या करते। तरह की कौन मार सकता है कुंवर जी। मान लो कि हमको कोनो ने मार दिया और हम जिनकी मौत से खेल रहे हो, तुम तो डॉक्टर बनने वाली हो ना, बताओ क्या करूँगा। ऐसा समय पे हिम्मत से काम लेना चाहिए। क्यों पानी दी तो पानी नहीं पीना चाहिए, और एक बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि जहाँ से खून बह रहा हो वहाँ पर पट्टी बांध देनी चाहिए। और ऐसे भी तार गुदगुदी हो रही है। भैया जी, आप ही पूरा पैसा ये बंजर जमीन पे लगा रहे हैं, इस जमीन उपजाऊ होगा का? तुम एकरा के बंजर समझ रहे हो, हम एकरा सोना समझते हैं। ये जमीन एक दिन बहुत उपजाऊ बनेगा। एकर फसल से जो पैसा आएगा ओकरा से हम यहाँ के बच्चा सबको शिक्षा दिलवाएंगे। कारे, सिनेमा हॉल के मालिक को मारे हो तो? फिल्म देखे गए,
तो टिकट मांगता रहा। टिकट मांगेगा तो तू मार देगा, मर जाता तो इसे तो मारे थे कि मर जाए। कह रहे तुम्हारा बाप बंजर जमीन खुदवाने में बड़ा पैसा लगा रहा है, अगर ऐसे करेगा तो कंगाल हो जाएगा, फिर हम सबको भीख मांगना पड़ेगा, समझी? अरे कुछ हो ना, घर में नया काम वाली आई है, छोटका मस्ती कर रहा होगा। ए, तू कहाँ जा रही है? करने दो जो कर रहा है। तार ससुर दहेज देके शादी करवा दी है ना, इतना सुंदर बीवी मिली है फिर भी तुम बंजर जमीन के पीछे पड़े हुए। आखिर तोरा ये मामला में बात करे के जरूरत का है? अगर वो रोड पर आ गया ना, हमारा ही माथा पर आकर बैठेगा। लो खिसिया गई, तोर बीवी के नखरा नाके पे रहता है, ऐसे भी तोर ससुर और साला कबो भीख ना मांगेगा। खाना 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 देख रहा कारे, लड़की कैसन रहे? बढ़िया है जानकी। रो मत बहन, ससुराल में हमी के सुख मिले एक खातिर किस्मत चाहिए, तो सब औरत सबके नहीं होता, यहाँ जे भी होता है ओकरा के पेट में छुपाना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। हमरा के कुछ बोले कि वो ठीक है दीदी, बाकी हमारे पिताजी और भाई क्या गुनाह किया है उन्होंने? वो लोग तोहरा के एक घर में ब्याह के भेजे हैं, यह उनका सबसे बड़ गुनाह है। जब माँ बाप घर के लोग बेटी की शादी करते हैं तो बड़ घर देखते हैं, ये देखे की कोशिश नहीं करते कि बड़ लोग के सीना में दिल भी है कि नहीं, सब जान के चुप रहते हैं। अरे यहाँ पर तो छुट्टी खत्म हो गई है, बाकी हम नहीं आ सकती, प्रैक्टिकल शुरू हो गया है, बाकी हमारे कवर जी के साथ ये अभी तक प्रैक्टिकल शुरू ही नहीं हुआ। डॉक्टर बन के गर्दन में स्टेथोस्कोप डाले से बेहतर है कवर जी हमारे गले में मंगलसूत्र बांधे। फिर से शुरू कर दी ना अपन कवर जी के रामायण। अरे तेरा ये रामायण लगा था, अगर हमारा कवर जी जैसन तेरा पास के होता तो तब पता चलता। एक बार तनी अपन कवर जी के फोन दे, हम यहाँ से उनका आवाज सुन के पता लगा लेते हैं कि कैसन है तुहार कंवर जी। मैं फोन नहीं दूंगी, काहे कि तू बहुत ही चालू हो। बकवास बंद कर, फोन दे। कंवर जी हमारे सली आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो सांबा शिवा रेड्डी। पता है सांबा शिवा रेड्डी, आपको सबके हूँ सांबा कह के बुलाता है। सवेरे 5 बजे उठ के 7 बजे तक एक्सरसाइज करते हैं और उकरा बाद नहा धो के नाश्ता में आप खिचड़ी खाते हैं और उकरा बाद आप कॉलेज जाते हैं। अरे ना 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 ना, ये सब हम नहीं खाते। हमरा सब कुछ पता है, झूठ मत बोलिए। आप हर रोज कॉलेज से आने के बाद सबसे पहले बैठ के खीर खाते हैं, है कि नहीं? एकदम सही, और अभी भी खीर खा रहे हैं। इसी तरह अगर प्रोफेसर की बात सुनोगी तो पढ़ाई में आगे बढ़ोगी। और एगो बात, लेकिन को ए तरह से अनजान लेकिन से फोन पे बात नहीं करना चाहिए। सुना जी, अगर इसका फोन वापस आया ठीक है तो हमसे बात मत करवाना प्लीज। क्यों, कैसन है फिनिशिंग टच? तो हर कंवर जी का आवाज बहुत ही प्यारा है, सोचते हैं कि एक दिन खातिर कंवर जी के लेके हम घूमे जाएं। छी छी बेशरम, चल फोन रख। नंदिनी बहुत ही लकी है, ओकरा सांबा जैसन पति मिल रहा है जे सही मायना में अच्छा इंसान है। नंदिनी के पटाके ओकर कवर जी से तू शादी कर ले, अगर वो राजी हो जाए तो शादी कर लेंगे। अरे सुनो, तुम इंटरव्यू खातिर गए थे ना, का हुआ? 2 दिन के बाद लेटर आ जाएगा। कपार का लेटर आएगा, एकरा इंटरव्यू से ज्यादा घर के काम में मन लगता है। हाँ, आप ही का लक्षण है। हाँ हाँ, हमारा आदत तोरा में आ गया है, लेकिन तोर आदत तोर बेटा में मत आवे। नंदू तू कमरे में कहे जा रही है? दादी के पास सुते खातिर। अरे दादी के साथ तो सांबा सुतल है। तो वो खाली सांबा के नानी है, हमार कुछ नहीं, मैं वहीं सोऊंगी। जीजा जी, नंदू डॉक्टर के पढ़ाई छोड़ के हर समय कंवर जी करके पीछे पड़ा रहती है, हमारा बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन के क्या बात है, दोनों का जोड़ी तोता मैना लगता है। आप ठहरे लड़का के बाप, हम लड़की के बाप है, कोनो दिन हार्ट अटैक हो गया तब? तुम फिकीर मत करो, नंदू बेटी हमरे घर की बहू बनेगी। तब फिक्र के कोनो बात नहीं है। हाँ, चला था बुढ़िया कहेंगे, दू जवान दिल के बीच में सूत गई है, इतनी भी अकल नहीं है इसमें कि बाथरूम जाए और हमें मौका दे। मौका दे रही हूँ, कहाँ जा रही हैं आप? बाथरूम जाए खातिर कह रही थी ना। नहीं दादी, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूँ, चल हट, मुझे कहानी मत सुनाओ। कंवर जी उठी ना, कंवर जी हमरा के एक पप्पी दीजिए ना। अभी कोनो फायदा नहीं है, 12 बजे जब दादी सूत जाएगी उसके बाद हम दोनों बाहर चलेंगे। बहाना कहे,
मुझे डर लगता है कुछ हो गया तब। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। सच कुछ होगा नहीं ना, ऊपर चलेंगे ना हमनी दोनों मिलके, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो गया तब? अरे हो जाने दो, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। दादी, चला कुछ होगी तो नाना कहनी ना, कुछ ना होगी। चला ए, चला अरे चला ना। ए, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे दादा दादा दादी दा, दा, अभी तक सोई नहीं क्या? हम तो ऐसे ही जा रहे थे पर ये हमरा पीछे आ गई। नाटक बंद करो और चुपचाप सो जाओ। ए सो जा। कहो भाई, कैसे रास्ता भटक गए? खाना लाए हैं। का बाबूजी, समय पर खाना नहीं खा सकते? वहाँ दादी हमार दिमाग खाती हैं। कह रहे थे कि आप हफ्ता भर से खाना नहीं खाए। खाना खाए खातिर 20 किलोमीटर जाना पड़ता है और रोज तो खाना खाते हैं ना, यहाँ जो मिलता है खा लेते हैं। बाकी आज तू कॉलेज काहे नहीं गया? अरे कॉलेज तो रोज ही जाते हैं, आज कहीं भी पढ़ लेंगे। जीजा जी, ये आपको टिफिन पहुंचावे खातिर आपन पढ़ाई छोड़ के बैठा है और एकरा पीछे हमार बेटी आपन पढ़ाई, दोनों का कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा मत बोलिए मामा जी। तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, अगर उम्र निकल गई तो इंसान चाह के भी पढ़ाई नहीं कर पाता है, अफसोस करता है। पढ़ाई पे ध्यान दो। अब पढ़ाई को इतना वैल्यू कहे देते हैं? कहे कि हमको उसका मोल पता है। हम हूँ यहाँ के लोग के तरह बम और तलवार लेकर घूमते थे। बाकी तुम्हारी माँ बहुत पढ़ा लिखा थी, उनको पढ़ाई से बहुत ही लगाव था। वो पढ़ा लिखल को बहुत ही इज्जत करती थी। हमको दस्तखत करना सिखावे खातिर वो बहुत कोशिश की। जब तुम्हारी माँ हमको सिखा रही थी तब तुम उनके पेट में थे, और फिर एक दिन तुम्हारी माँ के पेट में अचानक दर्द होके लगा और उस दर्द से गिर पड़ी। बेटा जल्दी जाके डॉक्टर को फोन करो। हम अनपढ़ की यह पता नहीं था कि 05 पर फोन करने से एम्बुलेंस घर पर आ जाता है। तुम्हारी माँ पढ़ सकती थी और हम अनपढ़ देखते रह गए। बाकी तुम्हारी माँ उस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। तुम्हारी माँ के लिए एम्बुलेंस चाहिए था। बाकी हम उसको ट्रैक्टर में लेकर गए। तुम्हारी माँ मरते समय बता के गई कि इंसान खातिर पढ़ाई कितना जरूरी है। तुहार इतना सारा तलवार में से कौनो तलवार हमार जान नहीं बचा पाया ना। अगर तुहार हाथ में कलम होता तो एको पैसा वाला दूसरा को पैसा वाला नहीं बना सकता है। बाकी एगो पढ़ल लिखल इंसान हजार इंसान के पढ़ल लिखल बना सकता है। पैसा हाथ के मैल होता है। इंसान जितना पढ़ेगा उसका उन्नति उतने ज्यादा होगा। इंसान खातिर अन्नदान से भी बड़ महादान होता है विद्या का दान। आपन सब लोग को तलवार छोड़ के पढ़े खातिर प्रोत्साहित कीजिए। आप वो सबको समझाइए। हमार ताकत और पैसा कुछ भी तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया बेटा। और आजकल तो लोग पढ़ाई लिखाई के पूरा तरह बिजनेस बना लिए हैं। आजकल कॉलेज में लाखों रुपया देके भी सीट नहीं मिलता। ये अमीर लोग जौन काम आज तक नहीं कर पाए वह काम हमारे परिवार को करना है। अब हम आप ही के साथ रहेंगे, यही काम करेंगे। तू यहाँ कहाँ रहेगा? तोर पढ़ाई खराब होगी ना पिताजी। माँ कहती थी ना, एक पढ़ेगा तो हजार को पढ़ाएगा। अगर पूरा गांव पढ़ लिख गया तो देश उन्नति करेगा। चार फीट और खोद दें तो पक्का है कि हम सबको ग्रेनाइट मिल जाएगा और इसका बाजार में बहुत बढ़िया कीमत मिलेगा सर। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। प्रणाम समधी जी, समय ग्रेनाइट निकला है। सही सुने,
इंजीनियर साहब अभी बताए। इंजीनियर साहब तो अब अभी बताए हैं, छोटका भाई तो बहुत पहले बता दिया था कि ये जमीन से ग्रेनाइट निकलेगा। तो हमार ससुर जी हमरा के ही दहेज में देंगे। आज जब एकर बात सांच हो गया है तो एकरा जमीन तो मिले के ही चाहिए। का रे छोटे? हाँ भैया, ये जमीन का खुदाई पैसा खातिर ना, यहाँ के बच्चा सबके पढ़ाई खातिर करवाए हैं। हमारी बात सुनिए, आप ये मामला में मत पड़िए। देखिए संधी जी, गरीब खातिर ज्यादा सोचे के जरूरत नहीं है। एक आगे रोटी का टुकड़ा फेंकिए, ई पैर में पड़ा रहेगा। आपके माथा पे तिलक रहेगा और देह पे कपड़ा भी। ये सबके हाथ में बम और तलवार देके पीछे खड़ा रहिए, बराबरी में लग के साथ हिम्मत बिठाइए। सब तोहरी तरह सोचता था, यही से अंग्रेज इतना साल तक राज किया और सबको दुख और तकलीफ दी। लेकिन एकरा बाद जब भारत में कई लोग पढ़ लिख गए तो इस देश में कई कवि हुए, कई कलाकार और कई वैज्ञानिक हुए, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। हमने के गांव के लोग के हाथ में हथियार दे दिया गया, हमने के गांव के बेटे से कोई ब्याह नहीं करना चाहता। सामने वाला ये सोचता है कि वो इंसान से नहीं पंप से रिश्ता कर रहा है। बदलेगा ये, सब कुछ बदलेगा। ये जमीन के पैसा से यहाँ के मजदूर के बच्चा लोग पढ़ेंगे, कोनो डॉक्टर, कोनो इंजीनियर, कोनो वैज्ञानिक बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। देश के खिलाफ सोचने वालों को एक न एक दिन ये देश छोड़कर जाना होगा। तुम अकेले ही सब कुछ बदल दोगे? दुनिया जब शुरू हुई थी तो एक इंसान से शुरू हुई थी, और तूफान भी जब आता है तो एक छोटे कण से आता है। माना आज हम अकेले, लेकिन कुछ सालों के बाद देखना हजारों लोग हम लोगों के साथ होंगे। देखिए, अगर चाहें तो ये सारी जायदाद ले लें, लेकिन हमारे सपने को नहीं, कभी नहीं। अब जा सकते हैं। तुम जो भी कहे हो एकदम सही कहे, चलते हैं। नमस्ते। हे, हमने उन लोगों को बेटी दी है, नरमी से पेश आना चाहिए था बेटा। ऐसे ज्यादा नरमी से बात करना हमारे बस में नहीं है पिताजी। हे, तोरा बाप के लिए गांव वाला सब प्यारा हो गया। सुन, जाके अपना बाप के बोल दे कि जमीन हमारा नाम कर दे। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन हमारे पिताजी से कब बोला था। दूसरा के छोड़ के, एकरा के जान से मार देगा। बीवी से ज्यादा जमीन प्यारा है ना, बीवी के साथ घर मत मसाओ। हम बसाएंगे। छोटे, ये गलत बात है। हम बसाएंगे। ए, बोल एकरा के गलत है। हम बसाएंगे। बोलना एकरा के गलत है। ठीक है। नहीं दीदी, नहीं दीदी, 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 अरे छोड़ो छोड़ो, हमरा के मारे तू। तू इंसान है कि जानवर? हट जो, पीछे ना तो मार डालेंगे। अरे छोटे, गलत है, गलत है। चल 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 चल, यहाँ से छोड़ेंगे नहीं। अरे हम छोड़ेंगे नहीं, देख लेना। यहाँ से चल चल निकल। इका है जी, ई घर है कि कोठा? अपन भाभी पे गंदा नजर। तो का करें, भाई गलती करेगा तो ओकरा के मार देंगे। ओवर रिएक्ट मत करो, ओकरा दिल तहरों पे आ गया तो हम ओकरा के नहीं रोकेंगे। छोटकी बहू, हमरा के माफ करना, हमरा सब भाई अनाड़ी है, यही से तो हम उनका शादी नहीं करवा रहे। तहार पति तेनी पढ़ल लिखल था, यही से तहरा से ओकर शादी हो गई। यही से बहू, हम नहीं चाहते कि तारा हमार घर में कुछ हो जाए। ऐसन करो, तुम अब ही अपने नैहर चल जाओ और कागजात पा साइन करवा के ले आओ। जो हाँ दी, ना करेगा। अच्छा सिखा बेटा। अरे वाह दादी, और डाली ना। अरे दादी, इतना घी मत डालो। और डाली, और डाली। अरे नहीं दादी, इतना घी खाने से हार्ट अटैक आता है। अरे कौनो अटैक वटैक ना आए जब दादी खाना खिलाएंगी। कहा दादी, ठीक कहे ना। मेरा प्यारा बच्चा। दीदी, अरे दीदी, दीदी। अरे छोड़, हमको हम गिर जाएंगे। छोड़ो। तू अचानक कैसे? हमको फोन कर देती, हम लेने आ जाते। बस ऐसे ही आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था। जानकी, हाथ मुंह धो लो, फिर हमनी के साथ बैठ के खाना खा लो। ये खाना दीदी एकदम नहीं खाएंगी। दीदी का पसंदीदा खाना हम अपने हाथ से बनाएंगे। दीदी, सिर्फ 10 मिनट हम तोहरा लिए खाना बनाएंगे। क्यों पार्टनर, चल आ जा। ये सब साड़ी तोहार रामानंद चाचा भेजे हैं, ये सब रंग तोपे अच्छा लगता है। जाते समय ससुराल लेकर जाना। कलर सिर्फ साड़ियों में है, इसके चेहरे पर नहीं। पूछिए एकरा से का भई। बोला बेटी। पिताजी, शादी से पहले और शादी के बाद भी बेटी के अपन किस्मत होता है। दादी तो ऐसे नहीं कह रही है। दादी, हाँ ये देखिए,
ताजा मुर्गा लेकर आए, बढ़िया से मसाला डालना, हम अपने हाथ से दीदी को खिलाएंगे। का है? एकर ससुराल वाला इसको खाना नहीं खिलाता का? पिताजी, ससुराल में जो खाना मिलता है उससे पेट तो जरूर भरता है, लेकिन प्यार नहीं मिलता। ले दीदी, खाला खाला खाला, अच्छे से खा। देखिए ना पिताजी। hey, अब बस खाना ऐसे मुंह में मत डाल। काहे, जब हम छोटे बच्चे थे ये कैसे खिलाते थे, याद है ना आपको? खाला खावा। अरे दे 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 दे। काहे जबरदस्ती ठूस रही है। पिताजी, माँ अगर जिंदा होती तो ऐसे ही खिलाती ना। अपन भाई खातिर तू ही माँ जैसन हो बेटी, माँ के याद करके हम के और दुखी मत करो, ठीक है बेटी? ठीक है। आदरणीय पिताजी और भैया, यहाँ जी भी होता है उग्रा के पेट में छुपाना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। पिताजी। बेटी, क्या हुआ, क्या बात है, बताओ। नींद नहीं आ रही है पिताजी, क्या मैं आपकी गोद में सो सकती हूँ? आवा। बेटी सुच जा, हम तनी बाहर जाके आते हैं। इतनी रात में कहाँ जाएंगे आप? एगो छोट काम है, अचानक से याद आ गया, तुम सुतो। अरे समधी जी, बेबखत कैसे आना हुआ? बेबखत बे मतलब हम ऐसे ही क्यों के घर नहीं जाते, हम अपन बेटी के बारे में बात करे आए हैं। मतलब जानकी सब कुछ बता दी? हमार बेटी की आदत ऐसा नहीं है कि उस ससुराल का बात नई घर में करे। बे मतलब जब हमार बेटी घर पर आई तो आधा बात हम समझ गए थे, फिर जब हमार बेटी कही कि पिताजी हम आपके गोद में सोना चाहते हैं, तो हम समझ गए कि ओकरा पति का प्यार नहीं मिल रहा है। तारा खातिर हमार बेटी से जरूरी वो जमीन हो गया, गरीब के पढ़ावे खातिर वादा करे वाला ही धर्मराज तारा के वो जमीन देवे नहीं आया है। अपन बेटी के उजड़ल घर बसावे और ओकरा के खुशी देवे खातिर एगो बाप ये वहां आया है। कागजात लिख के देते हैं, रजिस्टर करवा ले। का छोटका, कागजात लेके आओ रे। ओकरा के कहिए जाके ले आए। हम तोरा से कहत बानी लेके आवा। जानते हैं बाऊजी, हमनी के पिताजी बहुते चालाक थे, जानते थे लड़कियन के जन्म देवे से तकलीफ होगा, यही से लड़का के जन्म दिए। बेटी खातिर कष्ट उठावे का एगो अलग ही आनंद है, कष्ट तो करे के ही पड़ी, जब कोनो बाप ही ना करी तो हमरा नजर में बाप नहीं है। अरे अरे अरे, ये हमरा के ना आपन दामाद के दीजिए। ले भाई, ससुर जी दे रहे। हम कन्या दान किए हैं ये हाथ से आपन बेटी का, और आज तू लोगों का आंख में आंसू बहाए हो, अब हम चलते हैं। जिंदगी में पहला बार अपन वादा से फिर गए पिताजी, और ये आखिरी बार होना चाहिए। पिताजी। हाँ? चाचा जी, जानकी और हम सगा बहिन तो नहीं थे, लेकिन सगा जैसन थे। एकरा के जन्म जानकी दी,
बाकी बाले हम हैं। यही से हम एकरा के ले जाना चाहते हैं। लेके जा बेटी, इयो नरक में कम से कम तुलसी पत्ता के समान तो रहेगा। जानकी काहे मरी ये जल्ला के बाद भी हम ऐसे चुप काहे बैठे हैं पता है? अगर सांबा के बारे में पता चल गया तो ना जाने कितना लाश गिरेगा, एकरे डर है हमको। अपन पति से कहना कि इंसान बन के रहे। आई आई पधारी, ये है बाबू सेठ, अमृतसर से पत्थर खरीदे आए हैं। एकरा से पहले बालू पत्थर चूरा खराब पत्थर ये सब खरीदते रहे हैं। नमस्ते। नमस्कार। ये हमरे साहब पशुपति जी। क्या पशु? पशुपति माने एनिमल के नायक, माने पशुपति। क्या कहा? अंग्रेजी में बता रहे, नहीं समझ में आएगा। ये रहे आपके 25 लाख एडवांस। अरे ले लेना, 25 लाख मतलब बाकी का मिल जाएगा। 25 लाख दे रहा ना, अब ये रख लीजिए। ओके 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 सेठ साहब, अगली बार जब आइए तो पूरा पैसा देके पत्थर लेके जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। हमने खराब है कहा? छोटकी मालकिन। कवर जी, रुका, कहां जा रहा है तू? हट जाइए पिताजी, अब कोई भी सामने आया तो हम ओकरा छोड़ेंगे नहीं। हटिए। अरे ऐसे मुंह काहे लटकाए हो, ध्यान दो इधर। भाभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, उखरा पे गंदी नजर रखता है। अरे वो हम नहीं, और आ रहा है, चलो खिसक लो चुपचाप। जायदाद की लालच में अंधे हो गए हो तुम लोग। वो खाली हमारी बहन नहीं थी, अब माफ कर दो, हमारी माँ भी थी। तुम्हारी पत्नी को देखकर हमारी माँ की याद आती है, यही खातिर तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। अब हमारी जमीन की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुम्हारी आंख और पैर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आदत बदल ले, जान बच जाएगी, भाग। हम तो बस इतना ही चाहे थे कि हमारा बेटा राम बन के जिए, रावण जैसन राक्षस बन के ना। राम के भी युद्ध करने के बाद लोग उनका के भगवान के दर्जा दिए थे। राम आपन सीता खातिर युद्ध किए थे और हम आपके वचन खातिर युद्ध करेंगे। खाली सपना देखे से कुछ ना हो खेला,
ओका साकार करे खातिर यदि हथियार उठाना पड़े तो हथियार उठाना चाहिए, और आज हम उठाएंगे। चली उठी, खाना खा लो। ए, सुन, जेल के कैदी के खाना दे रही है का? ना तो, ऐसी बात नहीं है। नहीं है, लेकिन हमरा तो ऐसा नहीं लग रहा है। हम उस छोट बच्चा से बुरा तरह से हार गए, हमरा तोरा आंख में साफ नजर आ रहा है। देख देख। सांबा कुछ गलत नहीं किया। सांबा कुछ गलत नहीं किया? हाँ, बोल, बोल, फिर से बोल, बोल। वो हमार आंख के सामने हमार दो भाई के मार डालस, और तू ओकर पक्ष ले रही है। देख एकरा के, देख एकरा के, रोए के चाहिए लेकिन ही ओकरे पक्ष ले रही है। करे हम कायर दिखते हैं, कायर दिखते हैं का हम? मालूम है तो पूछ के क्या कंफर्म कर रहा है भाई। का बोला रे तू? हम कुछ नहीं बोलनी, हम बोले कि वहाँ मार खा के आए हैं, तो यहाँ बीबी के मार के अपना आपको मर्द साबित कर रहे हैं, हम यह बोले। तोरा नजर में हम भले कायर सही, कान खोल के सुन ले, हम बदला लेने वाला सांप हैं, जब तक काट नहीं खाएंगे जिंदा रहेंगे। लेकिन अभी तो बहुत बड़का नायक बन चुका है भाई। मार दो सबको। ए, विद्यालय का मतलब होता है देवालय। यहाँ सब बच्चे लोग पढ़ते हैं और तुम लोग जुआ खेल रहे हो, कमीने कहीं क्या? हवा भरे से कुछ नहीं होगा, इनका हवा पहले ही निकल चुका है। बीपी ज्यादा बढ़ गया है। बीपी तो बढ़वे करेगा, यूपी के जितना मंत्री हैं उनमें सबसे ज्यादा बीपी इनका ही है। डॉक्टर साहब अभी मौत के मुंह से निकले, बड़ा मुश्किल से जान बचा इनका। बॉडी बहुत बढ़िया है लेकिन बॉडी से जान थोड़ा ही बचता है। भाई हमने अब तक सफारी में घूमत रहे ना, वो 6 सफारी मंगवा लिया। तो कौन ओकरा कहीं ड्राइवरी करे का है का? ए, आज के बाद किसी ने शराब बेचने या पीने की हिम्मत की तो जान से मार देंगे। हेलो, हाँ एक मिनट भाई, सेठ जी का फोन है, क्या बोले उनको? हम ही मैनेज करते हैं। हाँ सेठ जी, वो नहीं है, ऊपर चले गए। ना 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 ना, वो वाला ऊपर नहीं, ऊपर छत पे, तनी होल्ड करिए। ठीक है, ओकर भाषा ना हमका बुझाता ना हमरा भाषा उसको। हम ऊपर चले गए तो बोला कि आप स्वर्ग से धार गए। बड़ा अजीब आदमी है सेठ भी। आहा, बड़ा स्मार्ट लग रहा है। ये फोटो देख के कैसा लग रहा है आपको? तोरा कैसा लग रहा है? बहुत स्मार्ट लग रहा है। तो मर जो जाके। अरे हम कहा है मरे, हम आपके जगह पे होते तो हम बोलते थे कि उसको ना मारो, मतलब हम फसरी लगा लेते। अरे छोड़ छोड़, अपन जुबान बंद रख। ज्योतिषी बोला था तू हमरा पास रहेगा तो हमरा खातिर अच्छा रहेगा, ऐसे तोरा के झेल रहे हैं अब तक। थैंक्स। का? आपको नहीं, ज्योतिषी जी को। ए, धर्मा का साइन किया कागजात अपने पास है ना, ओकरा के जल्दी ही वकील से नोटिस भिजवा दे, अपना आप रास्ता पे आ जाएगा। बात करने के बजाय आंख से इशारा कर रहा है। अरे मुंह से बोलो ना। ये नोटिस काहे भेजा रे? तोर बाप जोन लिख के दिया था, वो बारे में नहीं पता? वो लिखने वाला कौन है और लिखवाने वाला तू कौन है?
मेरे दादा की जायदाद है और दादा के जायदाद पे हमेशा पोता का हक होता है। तो क्या वकील ने बताया नहीं? सेक्शन 136 के मुताबिक। अरे करिया, तोर जबान के बहुत कीमत होता है, तनिक सोच के बोल, ना तो तोर जबान काट दे। सांबा, तू भूल रहा है कि तू कहाँ बैठा है? तू हमारे गांव में, हमारे घर में और हमारे आदमी के सामने बैठ के बात कर रहा है। ये सब तो हार, लेकिन पूरा राज्य हमार, और अगर हम चाहे ना तो तोरे गांव में, तोरे घर के भीतर, तोरे लोग के सामने जोन कुर्सी पे तू बैठा है ओकरे नीचे तुम्हारे लोग को मारेंगे। नोटिस का उल्टा पुल्टा हरकत छोड़ और सराफत से जी, ना तो जरा के राख कर देंगे, दिमाग में घुसा ले। ए सांबा, अगर तोर मुंडी काट के अपन दुआरी पे ना लटकाए तो हमार नाम पशु। ए! ताल ठोक के हमरा के चैलेंज मत करना, तो जांग काट देंगे। नीचे कर, नीचे कर। अब अपन आदत सुधार ले, हम तोरा के पहले ही कहे थे और अब भी कह रहे हैं, तीसरी बार नहीं कहेंगे, काट डालेंगे। अरे बाप रे, मौत एकदम करीब से निकल गया, ऐसा लगा ना। हाँ, ऐसे घूर के डरवाइए नहीं, सही में तो आप डरा गए थे। काहे ओकरा से फालतू पंगा ले रहे हैं? कब से बोल रहे हैं आपसे कि आप हमारी बात मान लीजिए, लेकिन अच्छा किया आपने उसके कहने पर अपना हाथ पीछे खींच लिया, नहीं तो कसाई के जैसे भेड़ा काटते ना वैसे ही काट देता आपका। आओ ना। क्यों बुलाई यहाँ? कपड़े उतारो। क्या कपड़े उतारो? अरे कल मैं जा रही हूँ ना, जाने से पहले तुम्हें अच्छी सी नहला की नजर उतारना चाहती हूँ। पागल हो गया? हा? डॉक्टर बनना है या झाड़ फूंक करने वाले? हम डॉक्टर बनेंगे लेकिन पेशेंट के लिए, तुम्हारे लिए तो प्रेमिका है, लेकिन कल तुम्हारी फोटो जब पेपर में आएगी ना तो कॉलेज की सारी लड़कियां उसे देख देख कर चूमेंगी, मुझे पता चला है। इसने किस किया उसने किस किया, दूसरों की बात कर दी हो, लेकिन तुमने कभी किस किया? कहां करे कंवर जी, हमारे तो कभी कभी मन भी होता है, लेकिन वो दादी है ना। अभी तो दादी नहीं है ना, दे दो ना किस। करूंगी किस, लेकिन जरा प्यार से बोलिए ना। ठीक है नंदू, प्लीज हमरा एगो किस दो ना। अभी नहीं कुंवर जी, प्लीज। रात में दूंगी। रात को फिर से दे देना, अभी एक दो ना। नहीं कुंवर जी, प्लीज। नहीं कुंवर जी, दे दो ना। नहीं कुंवर जी, दे दो, दे दो, दे दो। बाबूजी, 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 दरवाजा खोलिए बाबूजी, 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 दरवाजा खोलिए बाबूजी, हमारी बेटी दर्द से तड़प रही है, सुना है आपके घर में डॉक्टर है, हमारी बेटी को बचा लीजिए बाबूजी, बचा लीजिए उसे। नंदू, कौन है? खोल रही हूँ। अरे खोलो ना। नमस्ते माता जी, सामा घर पर है? नहीं है, वो बाहर गया है। तब फिर धर्मराज जी तो जरूर होंगे घर पर। नशे में उनसे क्या बात करोगे? पी के बात करे नहीं आए माता जी, बात करना है ऐसे पी के आए हैं। बाबूजी, अरे हाँ? ओ बाबूजी, 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 प्रणाम बाबूजी, प्रणाम बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए बाबूजी, आपने लक्ष्मी जैसी बेटी हमारे घर पे भेजी थी बाबूजी, और हम उसको अपने हाथ से मारे, माफ कीजिए बाबूजी हमको। अरे धर्मा, अरे छोड़, छोड़ ये। क्या सोचे थे हम पी के आए हैं? हमको आदत नहीं है। धर्मा, तू यहाँ हमरे हाथ से मरेगा और वहाँ सांबा हमार भाई के हाथ से। तुम डरो मत, हम आ गए हैं ना। बेटी देखो, बेटी घबरा मत, बाहर जाइए, कुछ सब ठीक हो जाएगा। धीरे हम के माफ कर दे, माफ कर दीजिए। रुक, सब शांत रह के काम करो। आ बोल के देख, देख कर ले लिए ना। अब बोलो, तुम्हारा किस्मत पढ़ के ऊपर आने को देखे।
अब पढ़ाई खातिर ऊपर जाने वाले हो, हम तुम ही को देख रहे हैं, तुम ही को। मर्जी ए, जौन इंसान ताकतवर होके ओकरा दिमाग से मारे के चाहिए। ए बुढ़िया तोरो के मार दे का मार दे। पकड़ो उसको, भागने ना पावे। नंदू कवर जी, नंदू 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 कवर जी, भगवान कैसी तेरी लीला है, इन सबको अपना पास बुलाने खातिर हमरा इस्तेमाल किए, ये अन्याय है। छी छी, खैर तुम जौन काम हमरा जिम्मे लगाए थे हम कर दिए। का कुछ बोले नहीं, काम हो गया ना, तो चलो अभी। जी मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। नंदू नंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा नंदू, कुछ नहीं होगा। नंदू नंदू, नंदू सांबा, सांबा, मामा, मामा जी, सांबा, युवक, मामा, मामा जी, हमले के घर सुनसान बन गया रे। पिताजी पिताजी, पिताजी पिताजी, ए पशुपति, देख बाबूजी की लाश लाए तो लाश बिछावे खातिर, ए ढूंढ ओकरा के, ए चूहे बिल से बाहर निकल, ढूंढो जहाँ भी है ओकरा के ढूंढ निकालो, आज ओकरा मार के ही रहेंगे। भाई तू लोग यहाँ से भाग गया है, भाई भाग गया कायर। भाई ये अंदर साथ कोई है, कहाँ है तुम्हारा पति, कहाँ है? हमको नहीं पता दीदी, बता दो दीदी, मुझे बता दो ना, तुम्हें जिंदगी देकर हमने अपनी जिंदगी खराब कर ली, वो मार डाला, सबको मार डाला, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दीदी प्लीज हमको एक बार बता दो, छोटे छोटे बच्चों को
मार दिया उसने। कैसे के? दीदी प्लीज हमको बता दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारा माथा दर्द से फट रहा है, हमारी नस फट रही है। दीदी प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तुम आओगे सोच के वो कहीं भागे। कहाँ भागा? कहाँ भागा? कहीं भी भागे हम उका मार डालेंगे। आज से ही होकर घर हमारे पिताजी का समाधि स्थल है। भैया चिता जलाने की तैयारी करो। दीदी तुम अपनी माँ के घर चले जाओ, कह दो कि तुम अब अपनी जिंदगी उनके साथ नहीं बिताओगी, क्योंकि तुम्हारे पति को आज नहीं तो कल कभी ना कभी हम जरूर मारेंगे, बल्कि समझो कि वो अभी से मर गया। जाओ दीदी चली जाओ। हम कसम खाते हैं, हमारे पिताजी के इस जलती हुई चिता के सामने हम कसम खाते हैं कि जितनों को पढ़ा सके हम पढ़ाएंगे, और उसके बीच में अगर कोई आया तो उसे मारने से पीछे नहीं हटेंगे। आपकी कसम। इतना सब कुछ कैसे हो गया? इतना सब कुछ होने के बाद भी कोनो गवाह कोनो सबूत नहीं मिलेगा सर, ऐसे कोनो केस बने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी एक बात हम दावा के साथ कह सकते हैं, ही इज ए कोल्ड ब्लडेड मास्टर। अच्छा हम कोल्ड है और उस सांबा हॉट है? कोल्ड ब्लडेड मास्टर माने बहुत ही खराब आदमी होता है भाई। तू लोग यहाँ से बाहर जाओ। हम बाहर काहे जाएं? भीतर आने खातिर रिश्वत दिए हैं। अब बाहर हवलदार को दिए हैं ना, पूछ लीजिए इनका से। सर वो शर्म आना चाहिए तुमको, पहले एकरा के बाहर भेजो। हमको बाहर निकालोगे तो वो हमरा को मार डालेगा। अरे भाई अंदर ही रहने दो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा काहे बोल रहे हो, रिश्वत लिए हो। चल सर हम दोनों को अरेस्ट कर भी लेंगे तो दोनों बेल लेके दोबारा लड़ेंगे। आप बोलिए क्या किया जाए। हम लोग दोनों के एक साल खातिर शहर से तड़ी पार कर देते हैं, शहर में दिखने पर शूट एंड साइड का ऑर्डर पास कर देंगे। एक साल के बाद एक दूसरा को नहीं मारेंगे, क्या गारंटी है? हो सकता है सर कि आज का गुस्सा महीना छह महीना चाहे साल भर में पूरा तरह से खत्म हो जाए। सर आपका विचार तो सही है, बाकी का दोनों बाहर जाएगा? जाएगा सर, ये डर से जाएगा और सामा जिम्मेदारी से। हम दोनों को मना लेंगे। सर सामा आ गया। पशुपति पशुपति पगला गया है, पुलिस कंट्रोल रूम है। अगर यहाँ कुछ हुआ ना तो तू जिंदगी भर खातिर बाहर नहीं जा पाएगा। शांत हो जा सांबा, शांत हो जा सांबा। आई सेड स्टॉप इट सांबा। ए पकड़ो ओकरा के, हट जल्दी से जाली लेकर आओ। ए पशुपति पशुपति। अरे बाप रे, अब तक सुने थे शेर चीता को जाल से काबू में किया जाता है, आज सामने ही देख रहे हैं। आपका टाइम अच्छा था कि शेर को काबू कर लिया गया, नहीं तो आपका तो राम नाम सत्य था। सामो प्लीज शांत हो जा। हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुमने कहा था अपन पिताजी के नाम रोशन करेंगे, हम तो हर फैमिली के अच्छा तरह से जानते हैं। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बेकार हो जाएगी, समझे? सर हमको समझाने की कोशिश मत करिए, बस उसको हमारे हवाले करिए प्लीज। सामा हमारी बात सुनो, तुम लॉ एंड ऑर्डर को मान के तमाम बात के भुला के इस शहर से बाहर चले जाओ। आप कह रहे हैं बाहर चले जाओ, हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाग चलते हैं, ना तो हलक से जबान खींच लेगा। अमृतसर वाला सेठ के पास चलते हैं। हाँ भाई हमरो हिसाब से निकल जाना चाहिए यहाँ से, यही सही है, बाकी बाद में देखा जाएगा। हम तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं, जौन बोल रहे हैं सुन लो, अपन जिंदगी बर्बाद मत करो, समझे का कोशिश करो। एक को मार के अपन बदला पूरा करोगे कि सौ को पढ़ाकर अपने बाप का सपना पूरा करोगे? यह सोचे खातिर एसपी साहब कहे कोर्ट दोनों को आदेश दिया कि वो एक साल खातिर इस शहर की छोड़ के कहीं और चले जाए। सब फसाद का जड़ और जमीन को सरकार सील कर दिया। कोर्ट के आदेश का मान रखे हमने सांबा को दूसरे शहर में भेज दिए। चलते हैं मामा जी। राम के वनवास जाते वक्त
वहाँ की जनता को क्या दुख हुआ होगा ये मैं नहीं जानती, पर सांबा को दूसरे शहर भेजते समय यहाँ की जनता की आंखों में दर्द था। वो जनता आस लगाए बैठी थी कि सांबा आएगा और उनके दुख दूर करेगा। सांबा आया पर जनता के आंसू मिले। दादी माँ, कुछ लोग घर के नाम रोशन करता है, कुछ लोग कुल के नाम रोशन करता है, बाकी सांबा हमनी के जगह का नाम रोशन करेगा। संध्या तू यहाँ? हम सांबा के जानते हैं, मतलब प्यार करते हैं, ओकरे से शादी भी करना चाहते हैं। तुम सांबा से शादी करोगी? ये कैसे हो सकता है? हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारी शादी करवाइए, हम खुद ही कर लेंगे। ससुर जी, ससुर जी, अरे कहाँ हैं? ससुर जी भुला गए? यह पांव धोके तो आप बेटी के कन्यादान किए थे, याद है ना? हाँ हाँ, हमको सब याद है। सिर्फ आप ही को याद है या आपकी बेटी को भी याद है? है लक्ष्मी, लक्ष्मी! अरे का हुलिया बना के रखी हो, हा? अपने पति को मरा हुआ समझ ली का? सोचे थे कि तुम मर गए होगे, सांबा कहा था कि मार डालेगा तुमको। अरे 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 अरे, देख रहे हो, अपने पति के जिंदा होते विधवा बन गई। आप रहिए मत रहिए, क्या फर्क पड़ता है? मालकिन को तो जो कहना था वो तो कहिए दी है ना? आ? आपका तो कुछ है नहीं, उनका तो रहने दीजिए चरित्र। तेरी तो तार बेटी सेनूर पोच डाली, तुमको बुरा नहीं लगता? सेनूर पोच के गलती नहीं की है वो, मांग में सेनूर भरवा की गलती की थी और जौन गलती की थी वो सुधार ली। कौन औरत अपन पति के कायरता बर्दाश्त कर सकती है? बाकी तोरा जिसे जल्लाद नहीं, जो जो आगे से गांव में कदम मत रखना, समझा? कहा तार गांव के बगल में है, जो हम यहाँ बार बार आएंगे। देखो सांबा मरल नहीं है, वो शैतान जिंदा है, जिसको हम अपने हाथ से मारेंगे, जिक्रा खातिर पैसा चाहिए जो तुम हमको दोगे। पैसा हम काहे देंगे? तू पैसा वाला है ऐसे? पागल जैसा बात किया तो हम पुलिस को बुलाएंगे। बोला तोरा बुलावे की जरूरत नहीं, हम खुदे बुलाते हैं। अरे प्रसाद, तारा से जौन पैसा मांगे थे ना, एकरे को देना है। ए, अंदर जाके तिजोरी तूर के पैसा निकाल ले। तेरी तो पैसा मिल गया। सांबा का क्या करना है, प्लान बताओ। ध्यान से सुनो, सांबा कल सवेरे जौन जमीन का ताला तोड़े जा रहा, वो जमीन को सरकार ने सील कर दिया है। और घर से वो जमीन 45 किलोमीटर की दूरी पर है, माने अपना घर से उसको वहाँ पहुँचने में कम से कम एक घंटा लगेगा। उस जमीन से 2 किलोमीटर पहले ही हम अपना जाल बिछा देंगे, जो उनके पहले ही तैयार है। लैंड माइंस ब्लास्ट से संबंधित एगो स्पेशलिस्ट हमारा गांव में रहता है, जोन फिलहाल इस समय जेल में बंद है। आज रात हम उकरा को बाहर निकालेंगे, हमने की आँख के सामने से जा रहा सफारी को वो हमने की आँख के सामने उड़ा देगा। कहते हैं भगवान कोनो रूप में आता है, हमारा खातिर वर्दी में आया है, क्या बात है। आजा 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 आजा। सुन रे, एकरो के अपने संगे ले चल, हमनी के काम आई। अरे सुना, शशि भाई, गाड़ी कहाँ से आएगी? ओह तरफ से आई। ए कालू जी, पेटी लेके आवा। हाँ भाई। ए भाई, कुछ पूछे का? मान लीजिए इस समय बारिश हो जाए, सब भीग जाए, तो फिर ऐसे में क्या होगा? कुछ भी बोलता रहता है। अरे इतनी तेज धूप में बारिश कहाँ से आएगा? अरे ऐसे ही पूछ रहे थे, हम जब भी बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, तू अपने जिंदगी में कभी अच्छा बोला है क्या? आसपास अच्छा लोग भी तो होना चाहिए बोलने के लिए। इका जुगाड़ पानी कर रहे हैं। काशीगंज के मेला में ये मटेरियल यूज किए थे। मेला में तो कुछ हुआ नहीं, तो सांबा को क्या होगा? चुप, खाली बकवास कर रहा है, हटा बाहर रखे, लेके जा यहाँ से, लेके जा यहाँ से। अभी और चला गया, चलो चला जा। अरे तोरा के बोले कि का जरूरत है? बोल रहे तो आप कहीं किसी आ चल गया। अरे तनी सा मजाक कर दिया तो एकदम भड़के गई तो। अरे तोर मजाक ना, मजाक सबके थोड़े समझ में आता है, उसके लिए दिमाग भी तो होना चाहिए ना। हेलो,
छह सफारी में निकले हैं, तीसरा सफारी में है। अरे वो घर से गाड़ी में निकल चुका है, तीसर का नंबर की गाड़ी क्या है। क्या हो रहा पशुपति? है ए एकरा समझावल तो बड़का झंझट बा। एक सेकंड। कुछ नहीं सेठ, इधर सांभा आ रहा है, इधर कुछ कुछ हो रहा है। का इतना गाड़ी हमारी है, काहे खातिर? आप चुपचाप देखते रहिए एसपी साहब। हेलो, गाड़ी 6 से 12 हो गया है भाई। का वो छठा गाड़ी में है? अरे सुन रहे का है? शशि भाई सुनो ना, अब 6 से 12 गाड़ी हो गया है, वो छठा गाड़ी में है। चुप, मालूम है हमको, भागे से दबाओ जा, जाओ। अरे मुसीबत को कहां से लेके आए? मुसीबत नहीं है, हमारी मुसीबत टाल रहा है। अरे फालतू में टेंशन कहे दे रहे हो उसको, डिस्टर्ब मत करो, काम करने दो उसको। ये क्या हो रहा है? ए प्रसाद 10 लाख और ले ले, सेठों को उड़ा दे, बहुत बकवास कर रहा है। क्या का तोर ससुर मर गए? चुप रहो। एसपी साहब आगे अभी 12 गाड़ी और मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन है, टेंशन हो, सब कुछ दे। ये गाना आप देखे बहुत ही अच्छा है, देखिए आपका फोन बोले। हेलो, 12 से 24 हो गया कहा? हाँ भाई, ये समझ में ही नहीं आ रहा है ये कौना गाड़ी में है। अरे शशि भाई बहुत ही बड़का टेंशन हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, अब गाड़ी 24 हो गया है। इतना सारा गाड़ी क्या करे, पता ही नहीं चल पा रहा है, कुछ करो ना। डरा के कोनो बात नहीं, अपने पास बहुत माल है, सब गाड़ी उड़ा जाएगा। तू लोग तलवार लेके खड़ा हो जा, वो बच गया तो हमको ही मारना होगा। आ गया आ गया आ गया, उड़ा 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 दे, उड़ा दे, जल्दी उड़ा उड़ा दे। ये कही तो हमने क्या गाड़ी उड़ा दिया। तू बम को फेंकता है तब फटता है, लेकिन मेरे देखते ही फट जाता है। यह सोच रहा है ना कि मेरी गाड़ी की जगह तोर गाड़ी कैसे उड़ गई? सांप के निकाले खातिर सपेरा का जरूरत पड़ेगा और तोहरा निकाले खातिर एकर जरूरत पड़ेगा। प्रसाद, शशि रेड्डी,
बहुत सही। हमनिये से गाड़ी का उड़ावे के प्लान बना के हमनिये के आदमी को अपने तरफ मिला के हमनिये के गाड़ी को उड़वा दिया। तुम लोगों के सहारे जीते हो और हम लोगों को सहारा देते हैं। तुम चाहते हो कि सब मरे और हम चाहते हैं कि सब पड़े। हमेशा झूठ के सामने सच की जीत हुई है। एसपी साहब, इसका क्या करें? क्या करें इसका? मार डाला। ए! तुम कैसा पुलिस वाला हो? पुलिस होके के नाते नहीं, इंसान के नाते बोलत है। नहीं तो तोर भगना के हम बम से उड़ा देंगे। मामा जी। मामा जी, मामा जी। मामा जी। मामा जी। अरे पढ़ाई के चक्कर में तोर बाप मरा, तोर बहन मरी, तोर पूरा परिवार मरा। अब तू हमारा हाथ में मरेगा और तोर जमीन पे हम कब्जा करेंगे। मामा जी, 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 मामा जी। अरे रुके 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 रुके, साथे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा ज्योतिषी जी कह रहे थे। वो आपके खातिर नहीं, हमारा खातिर अच्छा होगा। अगर जिंदा बचिएगा तो फिर मिलेंगे, ठीक है? चलते हैं। नमस्ते। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रुकना। मामा जी, देखिए पिताजी, आज हम आपका सपना साकार कर दिए। आज हम इस सब लोगों को सबक सिखा दिए। कल जो अंधविश्वास की बात करते थे, आज वो पढ़ाई की बात करेंगे। भारत देश में कम उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाला ई सांबा शिवा रेड्डी है। जकरा पास संपत्ति है, वो इंसान किसी को पढ़वाएगा तो उसकी संपत्ति कम नहीं हो जाएगी और हम सबको भी ओकरा पर गर्व होगा। सांबा, सांबा।